वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स भर्ती घोटाले लगातार जो है उस पर इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आ रही है। आज एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के सामने आ रही है। पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ अपन तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि एग्जामिनेशन, जैसे कि आपको पता है कि जब फॉर्म भरे जाते हैं तो एक डेडलाइन दी जाती है, उसके बाद जो है तमाम फॉर्म उससे पहले आपको सबमिट करने होते हैं। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स का फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें कोई डेडलाइन नहीं है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि स्पेशल कैंडिडेट हैं। तो उसी से रिलेटेड बड़ी खबर आ रही है कि तय तारीख के बाद भी स्वीकार किए गए फॉर्म, जैसे कि आपको पता है कि कई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स ने लास्ट में अपनी डेट को एक्सटेंशन किया था, अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो। और उसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक तो ऐसा है जहां कि वो अभी तक जो है फॉर्म भरे जा रहे थे उसके जब ये इस तरह के कांड जो है हुए थे लास्ट में, और फाइनली अभी तक उस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का ना कोई फिजिकल हुआ है ना ही कोई इंटरव्यू हुआ है। कौन सा वो बैंक है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, बात करते हैं इस खबर पे। तो आप देख सकते हैं बैंकों में भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई है। तय तारीख के बाद भी फॉर्म स्वीकार किए गए, जिन लोगों के फॉर्म तय तारीख के बाद लिए गए उन्हें इंटरव्यू तक पहुंचाया गया, कई लोगों का भी चयन कर लिया गया जबकि उनके फॉर्म निरस्त हो जाने चाहिए थे, इसके चलते चयन समिति पर संदेह लगातार बरकरार। इससे पहले आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दी थी जहां पर विधिक राय के लिए जो है शासन को जो रिपोर्ट भेजी थी शासन ने उसको वापस कर दिया है, और 15 दिन के अंदर कमेटी को फिर से, यानी जो जांच कमेटी थी दो सदस्यों की जो पैनल था उसको फिर से 15 दिन के अंदर जांच करके रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया। अब जो बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है कि सहकारी बैंक भर्ती घपले में अफसर और नेताओं पर कसेगा शिकंजा। क्या वाकई ये शिकंजा कसेगा या फिर केवल ये हेडलाइन बन के ही रह जाएगी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीसीबी अध्यक्ष, जीएम और एचआर को भर्तियों में गड़बड़ियों के लिए जो है जवाब तलब किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन जिलों की बैंकों के भर्तियों की गड़बड़ी का यह पूरा मामला है। पहले चरण में दून, दूसरे में यूएस नगर और फिर पिथौरागढ़ की यहाँ पर होगी जाँच। ठीक है, फिर से यहाँ पर 15 दिन के अंदर जो है जाँच सबमिट करनी है। हालांकि लगभग आज जब ये खबर आई थी 3 से लेकर 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई खबर नहीं आ रही है, लेकिन लगातार जो है खबरें आती जा रही हैं और सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो यहाँ पर जो बड़ी खबर है कि जिला सहकारी बैंक भर्ती घपले की दूसरी चरण की जाँच में नेता अफसरों के पेंच कसे जाएंगे, डीसीबी अध्यक्ष महाप्रबंधक सहायक निबंधकों से जवाब तलब होगा, पूरी भर्ती प्रक्रिया में उनके स्तर पर की गई गड़बड़ियों को लेकर सीधे यहां पर सवाल पूछे जाएंगे। अब ये सवाल कितने तीखे होंगे या काफी नॉर्मल होंगे ये तो हमको भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, लेकिन अंदर की बात क्या है वो सभी को पता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि दूसरे चरण की जो जांच शुरू होने को लेकर अफसर नेताओं में खलबली मची हुई है और 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सबमिट करनी है। पता नहीं वो 15 दिन कब पूरे होंगे ये तो आपको आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल लगातार इसको लेकर तमाम चीज़ें यहां पर बाहर निकल के सामने आ रही हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं शासन को पत्र मिलने के बाद ये भर्तियां जो है बाद में निरस्त कर दी गई थी, हालांकि निरस्त नहीं, इनको जांच जो है कमेटी बैठा दी गई थी जिसको अपनी रिपोर्ट देनी थी। लगभग 2500 से ऊपर पन्नों की वो जांच रिपोर्ट पहले चरण की जो है सबमिट कर दी गई थी, उसके बाद तमाम जो है यहाँ पर जो बैंकों ने जो है तमाम भर्तियों में गड़बड़ियों में, चाहे सर्टिफिकेट्स को लेकर हो, चाहे इंटरव्यू के मार्क्स को लेकर हो, चाहे वो तमाम कैंडिडेट के सर्टिफिकेटों की, चाहे वो स्पोर्ट्स से लेकर हो, चाहे तमाम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर हो, तो तमाम यहाँ पर जो है अपने सवाल खड़े किए थे उस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर भर्तियों में जांच की गड़बड़ी पाई गई। तो जांच समिति में एमडी राज्य सहकारी बैंक नीरज बेलवाल और एमडी राज्य भंडारण निगम के जो है सदस्य हैं। जांच अधिकारियों ने इस मसले में कुछ भी बोलने से फिलहाल के लिए इनकार कर दिया गया है, सिर्फ यही कहा है कि जल्द तय समय के भीतर जो है रिपोर्ट दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अलग अलग स्तर पर यहाँ पर जो है भर्तियों में गड़बड़ियाँ पाई गई हैं।
अलावा यहाँ पर जो दूसरी बड़ी खबर जो लगातार निकल के सामने आ रही है वो आ रही है इंटरव्यू में नंबरों को भी लेकर यहाँ पर जो है छेड़छाड़ की गई है। चयन समिति पर नंबरों में छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है। कई लोगों की शारीरिक परीक्षा के नंबर पहले कुछ और थे, बाद में जो है कुछ और थे और इंटरव्यू के नंबर साथ जोड़े गए तो उनमें भी अंतर पाया जा रहा है। इसे लेकर भी चयन समिति सवालों के घेरे में है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम इस भर्ती पर लगातार जो है क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं और ये उठने लाजमी हैं क्योंकि जिस तरह से लगातार DCB बैंक्स की भर्तियाँ सवालों के घेरे में रही हैं रिसेंट पास्ट ईयर में, उससे जो है कहीं ना कहीं विभाग और सरकार की मंशा पर क्वेश्चन मार्क उठता है। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें दीजिएगा। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम लगातार इस पर जो है अपनी नज़र बनाए हुए हैं, हम या तो इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टा के माध्यम से शेयर कर देंगे या तो फिर टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर देंगे। दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रखा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।